गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन संस्कृत का थर्ड चैप्टर मतलब पाठ संख्या 3 पढ़ेंगे। उसके अंदर जो श्लोक है 7, 8 और 9, 1 से लगा के 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन 7, 8 और 9 तीन श्लोक पढ़ेंगे, उसके अगले वाले अगले भाग में पढ़ेंगे। तो राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणिम। राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र को देखने की दृष्टि है, राष्ट्र को राष्ट्र दृष्टि। नमस्यामो, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। राष्ट्र मंगल कारिणिम, राष्ट्र मंगल कारिणी होनी चाहिए। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, देश का कल्याण चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो देश प्रगतिशील बने ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो राष्ट्र के मंगलकारी मंगलकारी दृष्टि को नमस्कार करते हैं। तो राष्ट्र को यया विना न पश्यति राष्ट्र स्वनिकटम स्थितम। यया यानी इसके, विना यानी बिना, न यानी नहीं, पश्यन्ति यानी देखते हैं, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को स्वनिकटम स्थितम अपने पास या अपने निकट नहीं देखते हैं। अगर हम भारत में रहते हैं और भारत के प्रति हम मंगलकारी भावनाएं नहीं रखते हैं तो हम उसी उस राष्ट्र में रहते हुए भी उस राष्ट्र के नहीं होते हैं, वह राष्ट्र हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। जब तक हम अपने देश के प्रति प्रेम त्याग मंगलकारी यानी विकासशील दृष्टिकोण या अपन कह सकते हैं सभी के प्रति अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना या राष्ट्र के मंगल की भावना या राष्ट्र के अपन कल्याणकारी भावना या विकास के लिए, जब तक हम अपनी दृष्टि से या अपने अपन कह सकते हैं सोच या नज़रिए के द्वारा हम नहीं सोचेंगे तब तक वह हमारा राष्ट्र होते हुए भी हमारा नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणिम। तो राष्ट्र की मंगलकारी दृष्टि को हमेशा क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। यया विना न पश्यति राष्ट्रम स्वनिकटम स्थितम। इसके बिना हम राष्ट्र को अपने निकट नहीं देख सकते हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ यही होना चाहिए कि भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति मंगलकारी होनी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धावान होनी चाहिए। नमस्कार का मतलब होता है उसके प्रति श्रद्धावान होनी चाहिए, आदरपूर्वक होनी चाहिए और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर ले जाने वाली राष्ट्र की जब दृष्टि होगी या राष्ट्र के प्रति मंगलकारी कार्यों में सहायक बनने की सोच होगी तभी हम अपने राष्ट्र को अपने निकट पाएंगे। और अगर हमारी ऐसी दृष्टि नहीं है तो हम अपने राष्ट्र को या अपने देश को अपने निकट नहीं पाएंगे। तो पूरे श्लोक का यही अर्थ है कि राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, ऐसी राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, या जो राष्ट्र के मंगलकारी कार्यों में सहायक होती है जिसके बिना हम राष्ट्र को अपने निकट नहीं देख पाते हैं। समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू। समान संस्कृति यानी एक ही संस्कृति के सभी लोग, रीति रिवाज परंपरा, धर्म परंपरा, रीति रिवाज भाषा और एक ही प्रकार की समान सभ्यता और संस्कृति वाले लोग जब पितृ और पुण्य भू पैतृकता यानी अपने पूर्वजों के द्वारा या पैतृकता और पुण्य भू यानी पुण्यता का भाव यानी पैतृकता और पुण्यता के भाव होते हैं, तावती यानी तब भू आवृत्य उनसे घिरा हुआ वह क्षेत्र राष्ट्र एकम एक राष्ट्र निगद्यते यानी कहा जाता है या कहलाता है। जब एक ही समान सभ्यता संस्कृति के लोग जब अपने पैतृक और पुण्य और पवित्र भावों से युक्त पैतृक और पुण्य भावों से युक्त होते हैं और जब होने पर जिस भूमि के भाग को घेर लेते हैं या जिस भूमि के भाग पर वह निवास करने लग जाते हैं तब
उसे हम एक राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत देश है, भारत देश की जितने भी, भारत देश में सभी सभ्यता, समान सभ्यता और संस्कृति के लोग रहते हैं, और ये सारे लोग जिस क्षेत्र में यानी जितने स्थान पर रहते हैं, मतलब जितने स्थान को घेर कर या जितने स्थान पर वे पैतृक और पवित्र पुण्य, पैतृक और पवित्रता के साथ जिस भूमि को आवृत या घेर कर रहते हैं उसे हम राष्ट्र कहते हैं। तो पूरे श्लोक का यही अर्थ निकलेगा कि जहाँ पर समान संस्कृति के लोग पैतृक और पुण्य भूमि के भाव के साथ भूमि को आवृत या भूमि को घेर कर रहते हैं उसे हम एक राष्ट्र कहा कहते हैं। पितृभूत्व पुण्यभूत्व द्वयम् यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अहर्ति। पितृभूत्व, पितृभूत्व का होता है मात्र पैतृकता का भाव, देखते होता है पैतृकता का भाव, और एक होता है पिता का भाव या पैतृकता का भाव, पुण्य भूतम पुण्यता का भाव, द्वय यानी दो, यस्य यानी जिसमें, न यानी नहीं, विद्यते यानी होता है या उपलब्ध होता है, उसमें होता है, जिसके अंदर पैतृकता का भाव और पुण्यता का भाव ये दोनों ही भाव नहीं होते हैं, तस्य यानी उसके, स्वत्व राष्ट्र उसमें अपनत्व, स्वत्व का मतलब होता है अपनत्व, तत्व राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति अपनत्व, भवितुम यानी होने की, के अर्थ यानी योग्यता नहीं होती है। जिसके अंदर पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों ही नहीं होते हैं, द्वय यस्य न विद्यते दोनों ही नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर उसमें राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना नहीं हो सकती है। राष्ट्र की अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना होने के लिए क्या करना पड़ता है, पैतृकता का भाव होना चाहिए और साथ में पुण्य पुण्यता या पवित्रता का भाव उसमें होना चाहिए। तो तीनों श्लोक है, वापस एक बार देख लेते हैं। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिण्यम, राष्ट्र की दृष्टि, ऐसी राष्ट्र की दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, यह श्रेष्ठ होती है जो राष्ट्र के लिए मंगलकारी होती है। यया बिना न पश्यति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, जिसके बिना न पश्यति, जिसके बिना हम नहीं देख सकते राष्ट्र को अपने निकट, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देख पाते हैं। तो अर्थात राष्ट्र की दृष्टि राष्ट्र मंगलकारिणी होनी चाहिए और ऐसी दृष्टि को हम प्रणाम या नमस्कार करते हैं, इसके बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। समान संस्कृति यावती पितृ पुण्य भू तावती भूम आवर्तीय राष्ट्र एकम निगद्यते। समान संस्कृति के लोग, जहाँ समान संस्कृति के लोग पितृ और पैतृकता और पुण्यता के भाव के साथ भूमि को आवृत्ति या भूमि को घेर कर रहते हैं उसे हम राष्ट्र कहते हैं। और जहाँ पे समान संस्कृति नहीं होगी, पैतृकता का और पुण्यता का या पवित्रता का या श्रेष्ठता का भाव नहीं होगा, और उनसे घिरे हुए, उन लोगों से घिरा हुआ भूमि का क्षेत्र नहीं हो, उसे हम राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। तो समान संस्कृति के लोग पैतृकता और पुण्यता के भावों के साथ जिस भूमि के क्षेत्र को घेर कर उसके ऊपर निवास करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को हम राष्ट्र एकम, हम उसे राष्ट्र कहेंगे। पितृभूत्व पुण्यभूत्व पैतृकता या पुण्यता का भाव, पैतृकता यानी अपनी पूर्वजों के द्वारा या अपनी पैतृक या पूर्वजों की विरासत, और पुण्यभूत्व पुण्यता, पैतृकता और पुण्यता के दो भाव, यस्य न विद्यते जिसके अंदर नहीं होते हैं, तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे उसमें अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना नहीं हो सकती है,
जिसके अंदर ये दो भाव नहीं होंगे वो अपने राष्ट्र के प्रति अपने अपनत्व की भावना को नहीं रख सकता है, उसके अंदर अपनत्व की भावना नहीं। अर्थात कह सकते हैं कि जिस राष्ट्र के लोगों के अंदर पितृत्व और पुण्यता का भाव नहीं होता है वह उन लोगों के अंदर अपने देश के प्रति अपनत्व या देश प्रेम का भाव जागृत नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत अपन प्रश्न करेंगे। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। अब अपन लघुतरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत लिखेंगे। तो यहाँ पे है फर्स्ट लघुतरात्मक प्रश्न, फर्स्ट है भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परामुख। भारत भूमि पर जन्म लेकर भी जो व्यक्ति सत्कर्मों से विमुख होता है स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति, वह किसे त्याग कर क्या प्राप्त करता है। यहाँ पे किम किम दो जगह आया हुआ है, तो फर्स्ट किम की जगह लिखना है पीयूष कलसम। तो पहले तो किम आया उसकी जगह क्या लिखेंगे, पीयूष कलसम। और सेकंड जो किम आया उसके वहां पे क्या लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, विश भांडम। कहने का मतलब है कि भारत की भूमि पर जन्म लेकर भी जो व्यक्ति अच्छे या श्रेष्ठ कार्यों से विमुख हो जाता है उसे अमृत कलश को त्याग कर विष भांड की इच्छा रहती है। विद्या या प्रकार द्वयम किम अस्ति, विद्या के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पूरा प्रश्न लिख के सिर्फ किम किम के स्थान पर ये दो शब्द लिख के आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है, वन वर्ड में उत्तर नहीं लिखना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पूरा लिखेंगे और सिर्फ जो जो शब्द लिख गए वहाँ पे आपको चेंज करके आपको लिखने हैं। तो विद्या या प्रकार द्वयम किम अस्ति, तो अपन लिखेंगे विद्या या प्रकार द्वयम अस्ति, विद्या या प्रकार द्वयम। तो ख है विद्या या प्रकार द्वयम अस्ति, विद्या या प्रकार द्वयम अस्ति। कौन कौन से हैं, शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या च, गोरी विद्या से लोग क्या नहीं लिखी हुई है, शस्त्र शस्त्र विद्या च। फिर है पृथ्वीयां सर्व मानवा स्व स्व चरित्रम कस्य श का शिक्षरेन, पृथ्वी के सभी मानवों को अपने अपने चरित्र को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किस प्रकार उसे सफल करना चाहिए। अपन यहाँ पे लिखा हुआ है अन्वय के अंदर है फिफ्थ नंबर दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे अस्य भारत देशस्य, जन्मना अग्र जन्मना सकाश पृथ्वीयां सर्व मानवा स्व स्व थोड़ा सा अंतर करके अपन अन्वय के अंतर्गत फिफ्थ नंबर पर लिखा हुआ है, अन्वय कौन सा फिफ्थ नंबर पे ये दिया हुआ आप इसमें से लिख सकते हैं। फिर है स्वर्गादपि का गरीयसी, कौन होती है स्वर्गादपि का गरीयसी, तो जननी जन्म भूमि सा सर्वा स्वर्गादपि गरीयसी, पूरा उत्तर लिखना है जननी जन्म
भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। कया विना स्वनिकटम निकटस्थम अपि राष्ट्रम जना न पश्यति। किसके बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को नहीं देख सकते हैं। कौन सी दृष्टि चाहिए? राष्ट्र दृष्टि। तो क्या लिखेंगे? कया के स्थान पर लिखेंगे राष्ट्र दृष्टि। बाकी पूरा का पूरा लिखना आपको, कया के स्थान पर लिखेंगे राष्ट्र दृष्टि, बाकी आपको पूरा पूरा वैसा वैसा लिखना है। फिर राष्ट्र कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति। राष्ट्र कस्य, राष्ट्र में कैसे अपनेपन का भाव या अपनत्व की भावना नहीं होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, 10 नंबर पे लिखा हुआ है, 10 नंबर पे जो अन्वय दिया हुआ है उसके अंदर सिर्फ न अहर्ती को छोड़कर, न अहर्ती, अहर्ती की जगह लिखना शक्नोति। अपन यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी भूतवा, लिख के दिखा देती हूँ। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्ते, जब राष्ट्र सुरक्षित होता है तब अपन क्या कर सकते हैं? शास्त्र चर्चा कर सकते हैं। तो शास्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते संति, तदा राष्ट्र चर्चा वर्तते प्रवर्तते। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 11, शास्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यानी अन्वय का कौन सा यहाँ पे 11 वाला है, 11वां लिखना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है शास्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते संति। आपका लघु प्रात्मक प्रश्न है, पूरा आपको करना, वो अपन इसमें करेंगे व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न होती है, जो सिर्फ क्या होती है, एक तो आई
और औ में ही होती है, क्योंकि ए के अंदर सिंगल मात्रा होती है, ए होता सिंगल मात्रा है, तो त्रिकोण संधि और इसको डबल मात्रा होती क्या होती है, एक मात्रा की वृद्धि होती क्या होती है, वह द्रव्य संधि कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, च प्लस ए कौन सी हो गई, वृद्धि संधि और साथ में स्वर संधि का रूप है। फिर है धन्यास्तु, अब जहां पे च आ जाता है, जहां पे आदर्श आदर्श ये आदर्श कौन वाला श आ जाता है, तो तीनों का आ जाते हैं सत्व संधि के अंतर्गत आते हैं, और सत्व संधि किसके अंदर आती है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। जिस शब्द के अंदर आदर्श आदर्श श और श तीनों आते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन सी होती है, सत्व संधि और साथ साथ विसर्ग संधि होती है। अब यहाँ पे धन्यस्तु, तो अपन लिखेंगे धन्य धन्य प्लस या धन तू, और फिर लिख देंगे यहाँ पे सत्व सत्व संधि और साथ में लिख देंगे कोष्ठक में विसर्ग। पीछे दिया हुआ है भवत सर्वदा, भवत आदर्श और फिर लिखा हुआ है सर्वदा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आदर्श है, तो अपन क्या लिखेंगे, भवत भवत सर्वदा, इसके अंदर भी सर्व संधि और विसर्ग संधि वैसे के वैसे आएगी। फिर है जन्म भूमिष्य, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे भी श आया हुआ है, यहाँ पे भी श है, यहाँ पे भी स है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जन्म भूमि च लगा देंगे, इसके अंदर भी सत्व संधि हो जाएगी और साथ में विसर्ग संधि। आपको पूरा लिखना है कि मैम ने ऐसे लगा दे तो हम भी लगा दें, तो आपको पूरा लिखना है सत्व संधि फिर विसर्ग, ताकि पता रहे कि विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि है। लास्ट है इसके अंदर भारतम नाम, अब इसके अंदर अनुस्वार लगा हुआ है, दोनों भाग अलग अलग लिखेंगे और ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यानी कि म म नहीं लगा तो क्या लगा दिया, अनुस्वार, म को अनुस्वार में परिवर्तित लिखते अपन लिखेंगे, इसको वैसे कैसे लिख देंगे, भारतम नाम सीधा अपन लिखेंगे अनुस्वार संधि। अब अपन देख इसमें यहाँ पे अगर त और थ आता है तब तो आता है ये वाले स्वर में परिवर्तित, च और छ आएगा अगर शब्द के अंदर तो श आएगा, और अगर यहाँ पे ट और ठ आता है तो अपन षटकोण वाले श में परिवर्तित, उसके पता चल जाता है इसके पीछे यह, जैसे यहाँ पे देखो च आया, यहाँ पे त आया, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आगे है पीछे त आ रहा है। एक प्रश्न, अब इसके अंतर्गत अपन सेकंड प्रश्न करेंगे प्रत्यय निर्देशन। अब इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पे पितृभूत्वम्, तीनों एक जैसे हैं, पुण्य भूत्वम्, फिर है स्वत्वम्,
अब अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए पहला तो इसमें एक नियम क्या रहेगा कि ये क्या रहेंगे नपुंसक लिंग आएंगे। कैसे आएंगे? नपुंसक लिंग। ये जितने भी शब्द होंगे नपुंसक लिंग आएंगे और ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कौन सी संज्ञा आएगी? भाववाचक संज्ञा, जिसके अंदर सिर्फ भाव होते हैं उसी के अंदर तो प्रत्यय युक्त होता है। ये दोनों नियम जिसके अंदर होगा उसके अंदर कौन सा प्रत्यय युक्त होगा? तो प्रत्यय होगा। अब पितृभुत्व पैतृकता का भाव, पुण्यभुत्व पुण्यता का भाव, स्वत्व अपनत्व का भाव। तब तो लिखेंगे पितृ, अगर इसको अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है पितृभू प्लस त्व। कौन सा प्रत्यय लिख गया? त्व। इसके अंदर भी यही होगा पुण्य इसके अंदर हो जाएगा स्व स्व प्लस व। तीनों के अंदर अगर नपुंसक लिंग में आता है उसका भाववाचक संज्ञा में प्रयुक्त होता है तो तब उसमें लगाएंगे अपन त्व शब्द लगाएंगे। अब है शिक्षणीय शिक्षक निया। अब इसमें कैसे पता चलेंगे? तो देखो श के अंदर आ रही है अ की ध्वनि, इसको बोलेंगे नी और यहाँ पे आ गया य। तो जिस शब्द के अंदर अनियर शेष रहता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? अनियर होता है। अपन लिखेंगे सिक्स प्लस अनियर, सिक्स धातु हो गया प्लस अनियर। अब है आवृत्य, आवृत्य और भवित्व। फिर है अवलंब्य, फिर है हित्वा, फिर है गरीयसी, फिर है संस्कृति मता। अब इसके अंतर्गत अब देखो इसमें हो गया आ, आ उपसर्ग है, दर धातु है, जिसके पीछे य रहता है उसमें कौन सा होता है? लेप प्रत्यय होता है। अपन लिखेंगे आ धन व्रत प्लस लेप्य, जिसके पीछे य शेष होता है उसके अंदर क्या लगाएंगे? लेप प्रत्यय। फिर है भवितुम, पीछे क्या आया है? तुम, तो क्या हो जाएगा? भू भी लिख सकते हैं और भव भी लिख सकते हैं, भू प्लस तुमन। तो भवि भू होना, भव होना और लास्ट में हो जाएगा तुमन। अवलंब्य, तो इसमें क्या आ रहा है? य शेष आ रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है अव प्लस लंब प्लस, तो अव अलग अव उपसर्ग हो गया लंब, अव प्लस लंब प्लस कौन सा हो जाएगा? य। फिर है हित्वा, जिस शब्द के पीछे त्वा शेष होता है उसके अपन क्या लगाते हैं? कत्वा प्रत्यय लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हा प्लस कत्वा। धन भी बोल सकते हैं प्लस के निशान को, परंतु यहाँ पे देखो गरी असी, गरी असी के अंतर्गत आता है ई, जिस शब्द के पीछे ई की मात्रा आ जाती है वो कौन सी हो जाती है? दीप प्रत्यय हो जाता है। ई की मात्रा का मतलब ये होता है कि इसमें दीप प्रत्यय, अ और आ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आता है तो उसके अंदर ई की मात्रा लग जाती है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे आपके ऐसा लिखा हुआ है गुरु प्लस यसुन, बुक के अंदर आपके ऐसा लिखा हुआ है गुरु प्लस यसुन प्लस मतु। अगर अपन ऐसे नहीं लिखे अपन ये भी लिख सकते हैं गरियस, गरियस प्लस दीप, क्या लिख सकते हैं? गरियस
डीप, जैसे लगीयसी, लगीयस प्लस डीप। एक उदाहरण और है परियस, यानी परियस प्लस डीप, परियसी यानी तो गरियस। और इसके एक और लिख सकते हैं यहाँ पे लगीयस प्लस, क्या होता है इसका, लगीयसी। लास्ट है संस्कृति मताम। अब यहाँ पे आएगा मतु, क्या जाएगा मतु, इसके अपन लिख सकते हैं अ या आ के अलावा कोई स्वर आता है तो अपन क्या लगाते हैं, मत शब्द जोड़कर, मत शब्द जोड़ के क्या बना देते हैं, मतुक बना देते हैं, मतुक बनता है। तो यहाँ पे ई की मात्रा आई है, अपन लिखेंगे संस्कृति और फिर क्या हो जाएगा, मतुक हो जाएगा। यहाँ अपन मतुक लिख सकते हैं। तो मत क्या जुड़ जाता है, पीछे जुड़ जाता है, और अ आ के बाद अलावा कोई भी स्वर आता है, तो यहाँ पे मत जुड़ गया है, मत और फिर संस्कृति मतान। लास्ट थर्ड समास रूप, कितने, चार पांच हैं। हिमाद्री, क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हिम प्लस अद्री, यहाँ पे क्या है बीच में, तो अपन लिखेंगे हिमस्य अद्री। हिमस्य अद्री बर्फ की, हिमाद्री यानी हिमालय होता है, बर्फ का घर होता है, तो हिमस्य प्लस अद्री। फिर देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, तो क्या हो जाएगा, देवताओं द्वारा निर्मित, देवताओं के द्वारा, तो देवे निर्मितम। फिर है विश्वाणम, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, विश्व का भाण, विशस्य भाणम, विश्व का भांड। फिर है उत्थान पतने, क्या लिखेंगे इसको, उत्थानम, और लग गया ना इसका, सोचो क्या होता है, और उत्थान और पतन, उत्थान पतनम, पतनम च। लास्ट है शास्त्र चर्चा, क्या हो जाएगा, शास्त्र की चर्चा, शास्त्र से चर्चा। ये आपको सारा होमवर्क नोटबुक में करना है और फिर मेरे को सेंड करना है ताकि मैं उसे चेक कर सकूँ, और लर्न भी करना है अपन बोर्ड क्लास में ना, इसलिए अपन को पढ़ना भी, साथ साथ अभ्यास भी करना है। इसका आगे का भाग अपन अगली बार पढ़ेंगे।